दिल्ली में बिजली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विद्युत विभाग ने एक नया प्रस्ताव लाया है, जिसमें अब अगर बिजली दुर्घटना में किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचती है तो पीड़ित व्यक्ति को वित्तीय सहायता बिजली कंपनियां भुगतान करेंगी। केजरीवाल सरकार के निर्देश पर ये नियम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाएगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग की तरफ से मिले प्रस्ताव को सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि नियम आने के बाद विद्युत कंपनियों को मजबूत करना होगा कि कोई दुर्घटना ही ना हो, और अगर कोई दुर्घटना होती है तो विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होगी। सीएम के अप्रूवल मिलने के बाद अब प्रस्ताव एलजी के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार ने डीआरसी को जल्द से जल्द नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली का विद्युत मंत्रालय एक प्रस्ताव लाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत डीआरसी को नियम बनाने के लिए आदेश जारी किया जाए, जिसके तहत दिल्ली विद्युत नियामक आयोग बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए विस्तृत गाइडलाइन तैयार करे, जिससे कि बिजली कंपनियां कानूनी रूप से बाध्य हो। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।